बड़ा फैसला आने पर नून लीग भी मैदान में आ गई है। ममनुआ फंडिंग फैसले पर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि तवील इंतजार के बाद ममनुआ फंडिंग के फैसले ने बिरूनी साजिश का पोल खोल दिया। अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक के शहरियों और कंपनियों से पैसे लेकर इमरान न्यासी ने मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया है। बात कर लेते हैं इखलाक अहमद से। इखलाक मजीद क्या कहना था इनका? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज़ ने कहा है कि 8 साल तवील इंतजार के बाद ममनुआ फंडिंग में फैसले ने बिरूनी साजिश का पोल जो है वो खोल दिया है। अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक के शहरियों और कंपनियों से पैसे लेकर इमरान नियाजी ने मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। अपने बयान में हमजा शहबाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की मीशत और तरक्की की कमर सी पैक को ठप करके तोड़ी गई। बिरूनी मुल्क की फंडिंग से पाकिस्तान की जड़ें खोखली की गई और मासूम जहनों में जहर बोला गया। उनका कहना था कि अदालती साधक और अमीन को बकायदा सबूतों ने झूठा और मनी लॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। ये इस बिरूनी साजिश की महज 2013 की तफसीलात हैं। इमरान नियाजी ने इसके बाद मुल्क से जो खिलवाड़ किया है वो जो ममालिक हैं जिनसे पैसे लिए वो भी पकड़ने बाकी हैं। जी ठीक है, अखलाक बहुत शुक्रिया।